नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत और आज हम सभी मनीष रंजन सर के द्वारा लिखित पुस्तक का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका आज हम सभी यहां पर अभ्यास करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपका अभ्यास के साथ साथ हमारा भी रिवाइज हो जाए, इसी उद्देश्य के साथ आज हम सबों के बीच उपस्थित हुए हैं और आज कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और साथ साथ आप लोग भी इसका अभ्यास करते जाएं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोगों के बीच में जेपीएससी आया हुआ है, जितना एक दूसरे का हम लोग कोऑपरेट करेंगे और रिवाइज करेंगे हमारे लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की है? ऑप्शन आप सब देख पा रहे होंगे, निग्रोइड, मंगोलाइड, कॉकेसॉइड और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। तो एक चीज हमें यहाँ पे जानना होगा कि झारखंड में जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है उनमें अधिकांशता जो है ना वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति की ही है। तो इसका भी सही जो आंसर होगा वो कौन होगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में इस्को की गुफाएं हैं? तो आपको जानना चाहिए कि हजारीबाग से 40 किलोमीटर दूर एक जगह है बड़का गांव, और ये उसी जगह पे आपका इस्को की गुफाएं स्थित है, यानी इसका सही आंसर जो है वो कौन है? हजारीबाग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम लोगों के बीच में है कि देहुंगी पूरा पाषाण कालीन स्थल जो है वो किस जिले में स्थित है? तो इसका भी जो सही जवाब है वो कौन है? हजारीबाग। यानी हजारीबाग हम लोगों के लिए देख रहे हैं कि बहुत सारे, ऐसा नहीं कि इस सेट में, बहुत सारे पूरा पाषाण कालीन का स्थल जो है वो, बहुत सारे साक्ष्य जो है वो हजारीबाग, चतरा, बोकारो, रांची, इन सारी जगहों से मिला है। तो हमें याद रखना है कि देहोंगी का संबंध जो है वो किस जिला से है? तो हजारीबाग से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें कि निम्न में से किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का हमें प्रमाण मिला है? चित्रकारी का प्रमाण जो है ना वो इस्को की गुफाएं से ही मिली है। किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? तो इस्को, इस्को कहाँ पे है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कहाँ पे, हजारीबाग, है ना, बड़का गांव, जो आपका हजारीबाग से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं कि निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण कालीन स्थल रामगढ़ जिले में है? रामगढ़ और कुसुमगढ़, रामगढ़ कुसुमगढ़, यानी इसका सही जवाब कौन होगा? कुसुमगढ़, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूरा पाषाण कालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? यानी यहाँ पर कुछ पूरा पाषाण कालीन स्थल दिया हुआ है और उसके साथ ही एक जिले को कोरिलेट किया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया है कि कौन सही है, बजना क्या पलामू में है, रामगढ़ में क्या झाबर है, गढ़वा में क्या करसू नाम का स्थान है, और क्या हजारीबाग में मांडू है, है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ये होगा, बजना यानी कि पलामू, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं कि निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र और अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिला है? यानी कि प्रागैतिहासिक काल का जो शैल चित्र बनाए जाते थे दीवारों पर, पत्थर के भीतियों पे, गुफाओं पे, उस पर और अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं, तो ये इसका सही जवाब जो है वो कौन है आपका? भवनाथपुर, ठीक है, भवनाथपुर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? किस जीव का वहां पे चित्रण किया गया है? तो इसका सही जवाब जो है वो कौन है? भैंसा। इसका सही जवाब आप लोग देख सकते हो कौन सा है, तो भैंसा है, ठीक है। निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी का लेख प्राप्त हुआ है? तो ये इसका जवाब कौन होगा? दूध पानी, ठीक है। दूध पानी
नवपाषाण कालीन स्थल जिले में स्थित है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा ना कि 8वीं सदी का लेख जो है वो कहां से मिला है, दूध पानी से। तो इसी दूध पानी से एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया गया कि ये दूध पानी जो है वो कैसा, किस कालीन स्थल है भाई, तो नवपाषाण कालीन से रिलेटेड है। और ये कहां पे है, तो आपका हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से पाल कालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी किस जगह से, है ना, पाल काल यानी जो बंगाल में पाल वंश था उस काल के जो मूर्तियों का अवशेष मिला है वो कहां से मिला है, तो डुमडुमा से मिला है। कहां से मिला है, डुमडुमा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन कुंपा का किला, मुगल कालीन कुंपा का किला जो है वो कहां पर स्थित है, तो इसका सही जवाब जो है वो कौन सा है, चतरा। ठीक है, इसका सही जवाब चतरा। चतरा और भी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, चतरा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत सारे सवाल चतरा पे बनता है। किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं, पत्थर से निर्मित चाकू का प्रमाण मिला है, तो ये रारू नदी के तट पे मिला है। ठीक है, फिर देखिए चतरा से एक और क्वेश्चन आ गया, चतरा जिले के ब्लैंक स्पेस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण हुए, तो इसका सही जवाब जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, गिद्दौर। गिद्दौर एक ब्लॉक है, वहां से ही मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कौन से स्थान से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये धनबाद का एक जगह है डालमी। ठीक है, इस जगह से, डालमी से ही आपका बौद्ध स्मारक का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि झारखंड में भी बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धपुर, ये भी आपका धनबाद क्षेत्र का ही है, बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो जैसा कि हमने बताया कि कौन से जिले में स्थित है, तो धनबाद में, झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराना अवशेष किस काल से संबंधित है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि झारखंड का, हमारा तो झारखंड पूरा पठारी क्षेत्र है ना, तो झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास करने का सबसे पुराना अवशेष जो मिला है वो किस काल का है, तो बहुत अच्छी बात है, किस काल का मिला है, तो पूर्व पाषाण काल का मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो साहित्यिक स्रोत से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, वैदिक साहित्य अलग अलग चीजों में झारखंड को अलग अलग नामों से पुकारा गया है ना, अलग अलग ग्रंथों में भी झारखंड का जो नामकरण किया गया है वो अलग अलग किया गया है, बस चीजों को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दिमाग में बैठा हुआ रहेगा कि वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया था, कौन से शब्द का, तो खुखरा। एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये भी क्वेश्चन आया था कि खुखरा जो है वो झारखंड के किस क्षेत्र के लिए खुखरा शब्द का प्रयोग किया गया था, तो इसका सही जवाब हमने देखा था कि वो गिरिडीह कि खुखरा किसके लिए किया गया था, गिरिडीह के लिए। महाभारत के ब्लैंक स्पेस पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है ना, तो कौन से पर्व में, तो याद रखिएगा कि दिग्विजय पर्व में ही झारखंड के लिए यानी छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द या पशु भूमि, पुंडरीक क्षेत्र या पशु भूमि का प्रयोग किया गया है, पुंडरीक भी और पशु भूमि भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यदि आते हैं तो देख रहे हैं कि महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कौन सा क्षेत्र नाम दिया गया है, तो पशु भूमि कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21,
निम्न में से किसने तारीख ए फिरोजशाही की रचना की है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में झारखंड में, किस टाइप विभिन्न एग्जामों में कि तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसने की, यानी पुस्तक और रचनाकार से संबंधित सवाल आते रहते हैं। तो तारीख ए फिरोजशाही की रचना जो है ना वो शम्स ए सिराज अफीक ने की थी। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, बार बार प्रैक्टिस करने से दिमाग में बैठ जाएगा। तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसने की है, शम्स ए सिराज अफीक ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। निम्न में किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है, यानी कौन से ऐसे कवि थे जिनकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। तो वो बहुत चर्चित कवि कबीर दास की रचनाओं में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं। द निरियोलिथिक पैटर्न, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द निरियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द निरियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, यानी कि इनके रचनाकार जो है वो कौन है। तो बोरमैन साहब है। ठीक है, ध्यान रखना है बोरमैन साहब। और रचना से एक प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछा ही जाता है, इसमें नो डाउट है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं कि निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, यानी कौन से ऐसे राइटर थे जिनके पुस्तक से चेरो जनजाति खरवार एवं भूमिज जनजाति जो थे वो झारखंड में आए, इसके बारे में डिटेल जानकारी देने वाला जो पुस्तक है वो उनकी रचना जो है वो कौन किए थे। तो डीएन मजूमदार साहब किए थे। कौन किए थे, डीएन मजूमदार जी। देखेंगे बड़ा क्वेश्चन है, चेरो जनजाति खरवार जनजाति भूमि जनजाति ये सबों का जो झारखंड में आगमन हुआ है इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली जो राइटर है वो कौन है, तो डीएन मजूमदार है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर, द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक जो है वो कौन है, तो डाल्टन। ठीक है, ध्यान रखना है द कॉल ऑफ छोटा नागपुर डाल्टन। नॉट्स, अच्छे क्वेश्चन है, नॉट्स ऑन अ टूर इन मानभूम, नॉट्स ऑन अ टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है, तो एल टिकेल साहब है। कौन है, एल टिकेल साहब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रयाग ऐतिहासिक काल से यदि अब हम क्वेश्चन देखा जाए तो हजारीबाग जिले के पूरा पाषाण कालीन स्थल में उत्खनन का जो सबसे पहला काम जो है वो कब करवाया गया था, तो 1991 में। ये वही क्षेत्र है जिसका मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, बड़का गांव वाला क्षेत्र, इसको वगैरह। ठीक है, इसको सरैया ये सब। ठीक है, तो हजारीबाग जिले के पूरा पाषाण कालीन स्थल में उत्खनन का कार्य जो है वो कब हुआ था, तो 1991 में। ठीक है, किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से, एकदम ध्यान रखेंगे, भूल भुलैया की आकृति अंतरिक्ष जहाज नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं, ये सब आपको दिमाग में रखना है। कहाँ पे, हजारीबाग, और हजारीबाग में कहाँ, तो बड़का गांव, बड़का गांव में कहाँ पे, तो इसको। ये सारी चीजें मैं उस समय भी बात कर रहा था कि हजारीबाग जो है ना वो बहुत प्रसिद्ध है इन चीजों के लिए। आपको ध्यान में रखना होगा कि ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं कि भूल भुलैया की आकृति अंतरिक्ष जहाज नक्षत्र ये सब चीजों का जो साक्ष्य है वो कहाँ पे मिला है, इसको। इसको कहाँ, बड़का गांव, बड़का गांव कहाँ पे, तो हजारीबाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण कालीन स्थल चाई बासा में है, तो दरगाम बूढ़ाडी बालूगारा और झरवात। इसका सही आंसर जो है वो कौन है, दरगाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। पत्थर के स्लेट नव पाषाण कालीन स्थल से मिले हैं, यानी पत्थर के स्लेट का जो प्रमाण है वो कहां से मिला है। पत्थर के स्लेट का प्रमाण हमें बुर्जू से मिला है। ठीक है, और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।